राम राम, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हॉर्टिकल्चर इंसाइक्लोपीडिया में। और आज का हमारा टॉपिक है हॉट क्लाइमेट एप्पल प्लांट की प्रूनिंग या कटिंग कब करें, सही समय क्या है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, आज डेट है 4 नवंबर 2022 और हमारा ये जो पौधा देख रहे हैं आप, ये है HRMN99 हॉट क्लाइमेट सेब का पौधा। और दोस्तों इसमें डोरमेंसी स्टार्ट हो गई है, अभी पत्ते गिरे नहीं है सारे। इसी प्रकार ये दूसरा पौधा है, इसमें भी काफ़ी अच्छे पत्ते गिरने लगे हैं, डोरमेंसी स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों अभी दिसंबर के शुरुआत में प्रूनिंग ना करें, इसका सही समय दिसंबर के लास्ट से लेकर और 15 जनवरी तक प्रूनिंग का होता है। सही समय पे प्रूनिंग करेंगे, सही तरीके से प्रूनिंग करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, फ्रूटिंग अच्छी आएगी। ये पौधे जो आप देख रहे हैं ये 3 साल से लेकर 3.5 साल के पौधे हैं सेब के। और दोस्तों ये मल्टी स्टेम है, मल्टी स्टेम का मतलब काफ़ी जो मेन तने हैं वो काफ़ी सारे होते हैं। इस प्रकार के पौधे में फल जो है वो थोड़े ज़्यादा लगते हैं, परंतु फल की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। परंतु इसके बाद ये आप पौधा देखोगे, इसे ये 3 स्टेम है, यानी 3 मुख्य शाखाएं इसमें बनी है, ये हमने बनाई है कैनोपी में इस प्रकार से। और आप देखोगे ये भी काफ़ी अच्छा पौधा चल रहा है। और ये पौधा 2 साल का है दोस्तों, और इसकी प्रूनिंग भी हम करेंगे। इसमें आप देखोगे कि कितने अच्छे सपर्स डेवलप हुए हैं और जो फ्लावरिंग होगी वो काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होगी। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ इस प्रकार से। हम पहले से ही स्टार्टिंग से ही समर में इसकी समर प्रूनिंग कर दिए थे, आपको बताया भी था वाटर सूट कैसे निकालते हैं और किस प्रकार के इसकी देख रेख करते हैं, सब आपको धीरे धीरे बताते आए हैं। देखिए दोस्तों, प्रूनिंग जब हम करेंगे आपको सही समय से लगभग 5 से 10 दिन पहले ज़रूर बता देंगे कैसे प्रूनिंग करना है, वीडियो बना देंगे। और दोस्तों मैं आपको एक खास बात बताऊं, सेब में प्रूनिंग करने का कोई एक तरीका नहीं है, इसमें सैकड़ों तरीके हैं प्रूनिंग करने के। हर कैनोपी पे अलग तरीके से प्रूनिंग होती है और सभी प्रूनिंग के अलग अलग रिजल्ट होते हैं। दोस्तों ये वाला पौधा हमारा एना का है, हॉट क्लाइमेट है ये भी सेब का, और ये 1 साल का पौधा है। इस पर हम वीडियो काफ़ी बार बना चुके हैं। ये सिंगल स्टेम पौधा है, यानी एक मुख्य शाखा है और बाकी की साइड ब्रांचेज हैं। तो इस पे प्रूनिंग कैसे करेंगे इस पे हम वीडियो बना देंगे, कोशिश करेंगे कि इस पौधे की अलग से वीडियो बनाएं और मल्टी स्टेम की अलग से बनाएं। और भी काफ़ी हमारे पास वैरायटियां हैं सेब की, जिन पे कैसे वीडियो बनानी है और किस प्रकार से प्रूनिंग करनी है वो सब बताएंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इस पे काफ़ी अच्छे सपर्स बन चुके हैं, वही आपको दिखाना था, ये देखिए। परंतु इसमें डोरमेंसी अभी स्टार्ट नहीं हुई है, डोरमेंसी स्टार्ट करने के लिए हमने पानी रोक दिया बिल्कुल। देखिए दोस्तों, पानी इसको हम नहीं दे रहे हैं और दिसंबर के लास्ट में ही इसके हम थमले बनाएंगे और फर्टिगेशन करेंगे और उसी दौरान हम प्रूनिंग कर देंगे। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी और आने वाले समय में सही तरीके से प्रूनिंग कैसे करें, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।